अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, पेज नंबर है आप लोगों का 21। और आज हम लोगों ने रीड करनी है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों के पेपर्स में MCQs में आती है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में हम लोगों ने ये वर्ड्स पढ़ने रीड करने हैं। फर्स्ट वाला वर्ड्स क्या है? एप्रिशिएट। एप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना। एप्रिशिएट मीन्स तारीफ करना। इसका क्या आपने करना है? रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड। रिकॉग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड। एप्रिशिएट तारीफ करते हैं। मम खामोश। मम मीन्स खामोश, साइलेंट। सेम वर्ड्स इंग्लिश में, इसके सेम वर्ड्स, मीनिंग सेम आएंगे लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे वो जरा डिफरेंट होंगे। मम का मतलब क्या होता है? खामोश। साइलेंट मीन्स खामोश। उर्दू में मीनिंग सेम है, इंग्लिश में ही डिफरेंट है। अटर। अटर मीन्स कहना या बोलना। अटर मीन्स कहना या बोलना। टू मेक अ साउंड विद द माउथ। गुस्से से आवाज निकालना। टू मेक अ साउंड विद द माउथ। गुस्से से आवाज निकालना। नेक्स्ट सेकेंड, एग्जीबिशन नुमाइश। अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों का मजमुआ। फॉर के लिए पब्लिक डिस्प्ले। पब्लिक डिस्प्ले कहते हैं। आप कलेक्शन, एग्जीबिशन, नमाइश, चीज़ों का मजमुआ फॉर पब्लिक डिस्प्ले, जो आप लोग पब्लिक में, अवाम में नमाज जाहिर करते हैं। इनवाइट, दावत देना। आस्क समवन इज अ इन अ फ्रेंडली वे टू गो आर टू डू समथिंग। टू गो या टू डू समथिंग। इनवाइट का आपने कंप्लीट करना है आस्क समवन इन अ फ्रेंडली वे टू गो या टू डू समथिंग। एक्साइटेड, पुरजोश। एक्सेसिवली अफेक्टेड बाय इमोशन, जज्बात से शदीद मुतासिर हो जाना। पुरजोश क्या होता है? जज्बात से शदीद मुतासिर हो जाना। क्लैप, तालियां बजाना। क्लैप मीन्स ताली बजाना या तालियां बजाना। टू स्ट्राइक द इनर सर्फस। टू स्ट्राइक द इनर सर्फस ऑफ वंस हैंड्स टूगेदर। क्या होता है? हाथों की अंदरूनी सतह को इकट्ठे करना। आप क्लैप करते हैं तो इस तरह क्लैप करते हैं, आपके हाथ की जो अंदरूनी सतह होती है, अंदरूनी सतह होती है, उनको आप इकट्ठा करते हैं तो फिर आप लोग क्या बजाते हैं? ताली। ऑल सेट नाउ, तैयार हो जाना सब कुछ। ऑल अरेंज्ड नाउ। ऑल अरेंज नाउ, या आप लोगों ने ग्लॉसरी वर्ड करने हैं। नेक्स्ट आप लोग पेज नंबर 22 ओपन करें। 22 में आप लोग एक्टिविटीज देखें। सबसे पहले पार्ट वन है आप लोग। पार्ट वन में क्या है? आंसर दीज क्वेश्चंस। हम लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखें। वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी का क्वेश्चन क्या होगा ये? वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी टूक हिज क्लास टू एन एग्जीबिशन फॉर अ ट्रिप। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन देखें। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है मिस्टर काजी। यहाँ पे टेक था, टेक हमने पास की बात करनी है तो टेक को हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो से टेक की सेकंड फॉर्म क्या थी? टुक। मिस्टर काजी टुक हिज क्लास। टुक हिज क्लास। नेक्स्ट है आप लोगों का टू एन एग्जीबिशन। ट्रिप को कहाँ लेके गए थे? एन एग्जीबिशन, एक नुमाइश में। एन एग्जीबिशन फॉर अ ट्रिप, वही सेम है आप लोगों का। सिर्फ आप लोगों ने क्या चेंज किया है? वर्ब को चेंज किया है। वर्ब को चेंज करने के बाद आप लोगों ने बताया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वेयर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वेयर, कहाँ गए? एन एग्जीबिशन, एक नुमाइश में, फॉर अ ट्रिप, ट्रिप के लिए। क्वेश्चन नंबर टू देखे। व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर। मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा या अकबर से क्या कहा? मिस्टर काजी आस्क अकबर। मिस्टर काजी ने अकबर से कहा। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर। ये आप लोगों ने जो मिस्टर काजी ने अकबर से पूछा है या कहा है वो वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों ने कोटेशंस में राइट करने हैं, क्योंकि ये मिस्टर काजी ने जो अकबर से कहा है ये उनकी डायरेक्ट स्पीच है।
जब आप डायरेक्ट स्पीच को राइट करते हैं तो वो आप लोग इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं। तो मिस्टर काजी ने जो अकबर को कहा था, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर, इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि मिस्टर काजी ने अकबर से क्वेश्चन किया था, इसलिए ये मिस्टर काजी की डायरेक्ट स्पीच है और इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट। व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन, नुमाइश में सबसे ज्यादा अकबर को क्या पसंद है। अकबर लाइक्ड पेंटिंग्स, अकबर लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट। ये आप लोगों ने ग्लॉसरी और ये क्वेश्चन नंबर 3 करने हैं। ये आप लोगों ने डायरी क्या होगी, आप लोगों की ग्लॉसरी प्लस क्वेश्चंस लर्न प्लस राइट।